अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। लो जी, सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों का जो बंदा स्वीट डिश गुजरेला ना बनाए तो मेरा ख़्याल में उसमें कोई मज़ा नहीं है। मज़ा तो इसी में है ना कि गुजरेला बनाए, और गुजरेला बनाए और वो भी इतना जी भर के बनाए कि ताकि वो सिर्फ दो दिन तो बंदा खा चुके ना, क्योंकि माशाल्लाह बनता ही इतना अच्छा है कि बंदा कहता ही बस ठीक है ठीक है। ये देखें, ये माने माशाल्लाह इस पर ये क्या किया है, 5 किलो गाजरें ली हैं और 5 किलो गाजरों में मैंने 4 किलो दूध डाला, 5 किलो गाजरों में 4 किलो दूध डाला मैंने। तो माशाल्लाह ये रिज़ल्ट आपके सामने, ये आप देख सकते हैं कि ये भी जस्ट स्टार्ट हुआ है। आपको मैं ये दिखाता जाऊँगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। इंशाल्लाह ताला आपको ये मज़ा आएगा और आप कहेंगे कि वाकई कमाल का बना हुआ है। तो जुड़े रहें साथ आप जी नाज़रीन। तो आज स्वीट का प्लान है, मीठे का प्लान है आज। तो आज मीठा चल रहा है, आज मीठे में गुजरेला है गाजरों। तो अभी आपके सामने इसके बाद तड़का तड़का जाएंगे, आप कहेंगे यार कमाल कर दिया आपने बटी। ये बटी भी लॉग पे जस्ट फन के लिए यार, और कुछ भी जस्ट फन के लिए आपसे शेयर करता हूँ। खुश रहें, आबाद रहें। अभी दिखाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, तो ये देख लें आपके सामने है। जब ये आहिस्ता 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 जो है ना, दूध इसका खुश्क होने जाता है, तो जब दूध इसका खोए ही होता है। अक्सर लोग पानी में पकाकर उसको बीच में डाल लेते हैं, खोया डाल लेते हैं, लेकिन मैंने इसको ये देखे दूध में बनाया है। ये मैंने 4 किलो दूध था और 4 किलो ही मेरा जो था ना वो गाजर कटी हुई थी। ये देखिए, अब इसके आगे हम चीनी शामिल करेंगे, ठीक है ना। चीनी शामिल करने के बाद अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट है तो फिर वो बीच में ऐड कर लें। जैसे कि मेरे पास अब ड्राई फ्रूट जो है ना वो ये हैं, फ्रूट वगैरह पड़े मैं वो शामिल कर लूँ, तो आप दूसरा शामिल कर लें तो मज़े आएंगे इंशाल्लाह ताला। आपने कम से कम 1.5 kg चीनी जो है ना वो मिक्स करनी 4 किलो के अंदर। ये मैंने चीनी मिक्स कर दी आखिर पे जब आपका दूध खुश्क हो जाए, इसके बाद आगे आपसे शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, ये अब जो गुजरेला ना ये देखिए आखिरी मरहले में शामिल हो चुके हैं। आप इस पे ना एक एक चीज़ को ना आपने ये देखिए, जो थोड़ा बहुत नीचे इसका शीरा रह गया है या दूध रह गया है, ठीक है ना, आपने इसको ना ये देखिए ऐसे ऐसे ना बिल्कुल प्रॉप करना, खुश करना। ये देखिए अभी कुछ रह गया, उसके बाद इसको हम हल्का सा देसी घी के साथ ना वो हम लगाएंगे तड़का। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिएगा, ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं हलवाई तो नहीं हूँ लेकिन ये माशाल्लाह ये आपको जैसे रेसिपी बता रहा हूँ ना, थोड़ी मेहनत है आपको कि आपने इस वजह से इसका ड्रा करना ताकि ये आपको नीचे ना लगे। ये देख रहे हैं, जब नीचे से बिल्कुल खुश्क हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए उस वक्त आपने उसको तड़का लगाया तो उसका अपना नहीं जाएगा, ठीक है ना। अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन, क्या हाल है? ये देखिए मेरे पास देसी घी है, अब ये आखिरी मरला इसका देसी घी का। ये देखिए इसको मैंने डाल दिया देसी घी के, ये देखिए ये देखिए, ये अब देसी घी का तड़का है ये, ठीक है, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह खुशबू निकलना शुरू होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह मैंने ऊपर कुछ मेवा याद डाल दिए और हमारा बेहतरीन माशाल्लाह तैयार हो चुका है। तो ये भी आपको चक्की में रहता हूँ, कमाल का तैयार हो चुका। आपने कम से कम 1.5 kg चीनी जो है ना वो मिक्स करनी 4 किलो के अंदर। ये मैंने चीनी मिक्स कर दी आखिर पे जब आपका दूध खुश्क हो जाए, इसके बाद आगे आपसे शेयर करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अब आपको मैं ना चेक करवाने लगा हूँ। ये देखें, ये बीच में बादाम, ये देखें चेक, अब गरम गरम है, आपको चेक कराता हूँ कि क्या रिज़ल्ट है।
माशाल्लाह, ऐसा जुरेला आपने कभी नहीं खाया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, लोकल कुकिंग। बंद कर दे, बंद कर।